मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक को संबोधित किया। राजधानी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर, समृद्ध, सक्षम, समर्थ, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के विजन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करना ही हमारा मिशन है। यूपी भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 7 वर्ष पहले ये प्रदेश एक बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यूपी बीमारू राज्यों के धब्बे से मुक्त होकर अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है।